एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल. कैसे हो सब लोग? आई होप कि सब बहुत अच्छे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ. और हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू. तो आवाज़ तो आप लोगों को आ रहा है ना, तो गणेश जी आ चुके हैं और अभी तो हमारे फ्लैट के नीचे पूजा शुरू नहीं हुआ है. हम लोग रेडी हो चुके हैं, 10:30 बज चुका है. थोड़ा देर से पूजा स्टार्ट होता है यहाँ पे, लेकिन जो मज़ा वो लोग शुरू कर चुके हैं. और मेरे हस्बैंड भी फूल वगैरह सब लेके आए. और मेरे हस्बैंड ने हम लोग जहाँ पे पूजा करते हैं, गणेश जी का फोटो है हमारे पास, जहाँ पे पूजा करते हैं वो जगह मेरे हस्बैंड ने सजाया है. तो मैं दिखाती हूँ आप लोग. तो ये उन्होंने सजाया है और फूल सब कुछ वो लेके आए अभी, और ये उन्होंने सजाया. तो कितना सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. मैंने एक साड़ी पहना है और ये साड़ी मैं मेरी जो शादी की रिसेप्शन थी उस दिन सुबह पहनी थी. और ये भी मुझे शादी में गिफ्ट मिला है. और ये तो जस्ट इमिटेशन पहना है और थोड़ा सा चूड़ी वगैरह ये सब पहना है. तो सज सज के रेडी हो चुकी हूँ. मेरे हस्बैंड को मैं कह रही थी कि क्या मैंने ज़्यादा सज लिया है, तो मेरे हस्बैंड नहीं कोई बात नहीं. तो मैं बहुत खुश हूँ अभी, बहुत एक फेस्टिवल से लग रहा है. महाराष्ट्र की ये सबसे बड़ी फेस्टिवल में से एक है. तो अभी शाम को भी हम लोग पंडाल में जाएंगे, देखेंगे, घूमेंगे थोड़ा सा. तो अभी तो हम लोग ने कुछ नहीं खाया है, पूजा हो जाएगा उसके बाद खाएंगे. तो मैंने कुछ कुकिंग नहीं किया है. हमारे पास एक मिक्स वेज का पराठा है रेडीमेड, जो आके मैं बनाऊंगी, तो वो ही खा लूँगी हम लोग. तो क्योंकि पूजा होने में तो बहुत देर हो जाएगी, तो ब्रेकफास्ट का तो कोई बात ही नहीं रहेगा. तो डायरेक्ट हम लोग लंच करेंगे, तो इस वजह से मैंने कुछ भी नहीं बनाया. हम लोग देरी से भी उठे थे आज, और अभी तो बैठे रहेंगे. मेरे हस्बैंड नीचे गए हैं देखने के लिए कि पूजा शुरू हो गया है या फिर नहीं. अगर हो जाएगा तो मैं भी उनके साथ जाऊंगी नीचे. और हम लोगों ने नीचे देने के लिए एक मिठाई लिया है और फूल वगैरह तो दिया ही है. तो मैं जब नीचे जाऊंगी तो आप लोगों को ज़रूर मैं दिखाऊंगी. तो हमारे यहाँ पूजा शुरू नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसे घूम के आए पंडाल वगैरह में. तो देरी है पूजा में, जो पुरोहित है वो आए नहीं है, इसलिए शुरू नहीं हुआ है. तो थोड़ा सा घूम के आते हैं. पनवेल की सबसे बड़ी पंडाल में, जिसको कहते हैं पनवेल का राजा. और मूर्ति यहाँ की बहुत बड़ी है, डेकोरेशन भी बहुत अच्छा किया है. और बहुत बड़ी मूर्ति है, बहुत ही बड़ी, बहुत बड़ी मूर्ति है. बहुत अच्छा लग रहा है. Thank you.
साढ़े आठ बजे आरती होने वाला है, तब भी हम लोग जाएंगे। तो बहुत टायर्ड हो चुके हैं, 3 बज चुके हैं। और ये हमें मिला है प्रसाद, ये है मोदक, ये है असली प्रसाद गणपति का। ये इसमें ना नारियल का, जो अंदर में नारियल का पूड़ बना हुआ है, और ये मुझे लग रहा है कि मैदा से बना हुआ है। और ये नाड़ू मिला है प्रसाद में, सभी को एक एक करके दिया है। तो एक तो हम लोगों ने खाया है, बहुत बहुत ज्यादा टेस्टी है। तो अभी हम लोग लंच करेंगे, उसके बाद फ्रेश होंगे, फिर शाम को आरती के टाइम आप लोगों से मिलती हूँ। अभी 8:30 बजने वाले हैं, आरती शुरू होने वाला है, तो हम लोग नीचे जाएंगे। और ये है हमारी छोटी सी मंदिर, एक लाइट लगाया हुआ है और यहाँ पे डीजे लाइट भी लगाया हुआ है, ये देखिए। तो चलिए नीचे चलते हैं। गणपतये नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, मंगलमूर्ति मोरया। गणपतये नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, मंगलमूर्ति मोरया। गणपतये यहाँ पे इस सोसाइटी पे गुरुवार को और शुक्रवार को कुछ प्रोग्राम्स होने वाला है, तो तब मैं अलग से ब्लॉग बनाऊंगी। तो इस ब्लॉग को मैं ही एंड कर रही हूँ, और अभी भी मैं एंड करते हुए बोल रही हूँ कि हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू, सबको बप्पा खुशियां दे। तो मेरे वीडियो मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, बिंदास रहिए, और देखते रहिए मेरे वीडियो।